वैसे मेजर आपके सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है। आज हम लोग पहले कर लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। पहला टॉपिक है आज का अपना मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली होती है कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं आपको रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में देखने से कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको बोला जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी है। मॉलिक्यूलरिटी 1, 2, 3 है ना, 3 से ज्यादा काउंट नहीं करते, मतलब 3 से ज्यादा एज्यूम नहीं करते हैं। ऐसी रिएक्शन इन जनरली बहुत कम होती है, क्योंकि जो आपका मॉलिक्यूलरिटी है ये कॉन्सेप्ट बेसिकली, जैसे ऑर्डर के बारे में हमने बोला था, ऑर्डर इज प्रैक्टिकली डिटरमाइंड। मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो थ्योरेटिकली डिटरमाइंड है, इसमें प्रैक्टिकल का उतना कुछ नहीं है। बट मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो रिएक्शन जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होता है उसमें बोला जाता है कि दो उसमें फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो पहले ये होना चाहिए कि जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये कोलाइड करें तब रिएक्शन होगा और तब प्रोडक्ट बनेगा। मान लो एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, दोनों अपनी अपनी जगह पे पड़े हुए हैं, आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या अगर ये इनमें काइनेटिक एनर्जी होते हुए भी ये कोलाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो ये मॉलिक्यूल पड़े भी हुए हैं तो भी वो मॉलिक्यूलरिटी में काउंट नहीं होंगे। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि जो कोलिजन होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है। इफेक्टिव का मतलब, मान लो इसकी एनर्जी कोलिजन इस तरीके से हो कि इफेक्टिव जितनी एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनाने के लिए उतनी एनर्जी तक ना पहुंच पाए, तो वैसे कोलिजन को हम लोग बोल देते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। तो जब कोलिजन हो इफेक्टिव। और इसमें तीसरा पॉइंट होता है, जैसे मान लो कि कहीं पे आपको कोई निशाना लगाना है ना, तो जैसे हम लोग इधर कहीं उसमें जाते हैं तो गेम वगैरह, बलून फोड़ने वाला वो गेम खेलते हैं ना, तो उसमें एक एंगल पे आपको गन को आपको सेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है आप कहीं से भी गन उठा के और आपने मार दिया और वो लग जाएगा, एक प्रॉपर एंगल देखना पड़ता है ना। इसका मतलब एक ओरिएंटेशन तो चाहिए, एक एंगल तो चाहिए है ना। जैसे प्रोजेक्टाइल वगैरह में भी आप पढ़ते हो तो आप लोग पढ़ते हो कि इतने एंगल पे मैक्सिमम आर मिलता है, इतने एंगल पे लीस्ट आर मिलेगा, इस तरीके की कंडीशन आप लोग पढ़ते हो। तो इसका मतलब एंगल का एक फैक्टर तो है, ओरिएंटेशन का एक फैक्टर तो है। तो इसी तरीके से रिएक्शन होने में भी ओरिएंटेशन का फैक्टर है। मान लो एक मॉलिक्यूल इधर से मूव करता हुआ आ रहा है और एक मॉलिक्यूल इधर से मूव करता हुआ निकल गया, इधर से मूव करता हुआ निकल गया, तो कोलिजन पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब कोलिजन इस तरीके का होना चाहिए कि उनकी डायरेक्शन भी प्रॉपर होनी चाहिए। डायरेक्शन को केमिस्ट्री में बोलते हैं ओरिएंटेशन, उनका प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ओरिएंटेशन हो कि वो आपस में टकराए तो सही, अदरवाइज वो इधर उधर घूमते रहेंगे पर वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो उतने मॉलिक्यूल, उतनी स्पीसीज जो आपस में रिएक्ट करती हैं उनके नंबर को हम लोग कहते हैं टोटल मिला के मॉलिक्यूलरिटी। एलिमेंट्री जो रिएक्शन हम लिखते हैं, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हुआ है तो उसमें जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनके उन टोटल को ही हम लोग कह देते हैं मॉलिक्यूलरिटी। सपोज मान लीजिए कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन ये लिखा हुआ है 2a+b गिव्स प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी लिख दोगे, इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी लिख दोगे 2+1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 3 हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली है क्या, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स
नंबर इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। देखेंगे कैसे, एलिमेंट्री रिएक्शन में आप देख लीजिए क्या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उनको ऐड अप कर दीजिए, उन्हीं को आप क्या कह दोगे, मॉलिक्यूलरिटी बोलोगे। टोटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल से गिनने जाओगे तो बहुत हो जाएंगे। टोटली कैसा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल। कंसीडर कितनी करते हैं, 0 1, 0 तो हो ही नहीं सकती, 1 2 3, कितने तक ही कंसीडर करते हैं। जैसे ऑर्डर था फ्रैक्शन में भी था, ये फ्रैक्शन में नहीं होगी। ऑर्डर को हम लोग फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। ऑर्डर अभी तक हमने सिखाया था ना आपको, 1 2 3, 1.5 भी आ सकता है, 3.5 भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। बस 1 2 3 तक ही कंसीडर कर। फ्रैक्शनल होगा नहीं। नॉट मोर देन 3, रेयर लिख दीजिए ब्रैकेट में, नॉट मोर देन 3, 3 से ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, एंड 3 मॉलिक्यूलरिटी, 3 भी क्या है, रेयर है। 3 भी क्या होती है, रेयर। थ्री भी क्या है, रेयर, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स का आपस में ओरिएंटेशन ही नहीं बन पाता, कि 3 एक डायरेक्शन में कोलाइड कर, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, ओरिएंटेशन इज नॉट प्रॉपर, 3 के लिए ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होता, इसलिए 3 भी क्या है, रेयर है। हो गया, जैसे मान लो हमने बोला NH4 NO3 को तोड़ रहे हो, हीट कर रहे हो, N2O बना देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे बोल देंगे मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, वन हो जाएगा। H2+Cl2 मिलके मान लो क्या बना रहे हैं, HCl, तो क्या हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 1 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया, 2, ठीक है।
गया। अगला एक लिखिए आरडीएस, आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बता चुके हैं क्या आप लोग को? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जब भी हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कई सारे स्टेप होते हैं। मान लो ए टू बी बन रहा है, बी टू सी बनता है, सी टू डी बनता है, फिर डी से जाकर के प्रोडक्ट बनता है। तो चार स्टेप में रिएक्शन पॉसिबल है। ये वाली रिएक्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मान लीजिए कि ये वाला स्टेप बहुत फास्ट है, स्पीड बहुत ज्यादा है, दूसरा वाला भी बहुत फास्ट है, तीसरा वाला जो है वो स्लोएस्ट है, ये वाला जो है वो स्लो है। तो रिएक्शन का जो रेट होता है ना, वो डिपेंड करता है आपका जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसके ऊपर। इसीलिए उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है इसमें, जैसे यहाँ पे अगर हम बोले तो कौन सा हो गया? थर्ड स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है, जिसकी स्पीड सबसे कम है। स्लो, वेरी स्लो, ऐसे ही लिख के देते हैं। आप कभी ऐसा भी कर सकते हैं, रेट लिख दें तो आप देख लेंगे सबसे कम रेट किसका है। जो स्लोएस्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप जैसा कि इसमें है, इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर, इसी के ऊपर डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर। इसी के थ्रू ऑर्डर का डिटरमिनेशन होता है। इसीलिए इसी स्टेप को हम क्या कहते हैं? आर डी एस। अभी आरडीएस में हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे कि आरडीएस का यूज क्या करेंगे। यहाँ पे तो केवल हमने क्या किया, आरडीएस होता कौन सा स्टेप है, केवल वो मेंशन करके छोड़ दिया। किसका मैसेज आ रहा है? ऑर्डर वाला पॉइंट, ये ऑर्डर वाला पॉइंट, क्योंकि रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है इस स्टेप पे, और ऑर्डर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेट के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे रेट बढ़ रहा है घट रहा है उसके हिसाब से ही हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके ऊपर कौन डिपेंड करेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी डिपेंड। अब हम लोग बात करेंगे जीरो ऑर्डर की। हेडिंग डाल लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सबसे प्राइम बात क्या है कि आप रेट को कैसे लिख सकते हो? मान लो ए है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट को आप लिख सकते हो रेट कांस्टेंट के, ए रेस टू पावर जीरो, ऐसे लिख सकते हैं ना। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट का एक्सप्रेशन यहाँ पे रेट क्या आ जाएगा? के
और ये आ जाएगा 1। तो रेट इज इक्वल टू क्या आ गया, के जीरो ऑर्डर के लिए, है ना। तो आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये जो रेट है इसको हम लोग, रेट को हम लोग डीएक्स बाई डीटी लिख करके, यहाँ पे के लिख करके फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो आपको याद रखना है कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है। ऐसे याद रखेंगे, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए है आपका कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, ए नॉट है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, के है रेट कांस्टेंट, और टी है टाइम। ए टी है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, ए नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, के है रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी है आपका। कोई दिक्कत? तो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना है क्वेश्चंस में, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी है टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन, टी है टाइम, के है रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, नोट हो गया। जीरो ऑर्डर के लिए अब हम लोग एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ सारे ऑर्डर्स के लिए पढ़ सकते हैं हम लोग। पढ़ेंगे जीरो के लिए और फर्स्ट के लिए। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है देखे, हाफ लाइफ होता है टाइम पीरियड इन विच इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गेट हाफ। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। उतने में जितना भी टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ, ऐसे लिखते हैं टी हाफ। हाफ लाइफ का मतलब, मान लो किसी चीज का सैंपल हमने 5 ग्राम लिया और हमने बोला उसके 2.5 ग्राम खत्म होने में टाइम लगता है 10 सेकेंड, तो इसका मतलब उसकी हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, 10 सेकेंड हो जाएगी, है ना। पूरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ होने में जितना भी टाइम कंज्यूम होगा उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टी हाफ, या हाफ लाइफ ऑफ दैट सैंपल बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब जैसे मान लो इस चीज को हम लोग अप्लाई करना चाहें फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला में कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला था अपना ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, है ना।
अब हम बोल रहे हैं कि टाइम जो है वो क्या है, टी यहाँ पे क्या हो गया, टी हाफ कर दिया, तो आपकी जो टाइम टी पे कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। डेफिनेशन से यही बात निकल रही है कि अब टाइम टी पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए नॉट की हाफ। तो ये वैल्यूज इसमें रख देते हैं, देखिए क्या आता है। ए नॉट बाई टू रख दिया, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन यही है, टी की जगह लिख दिया टी हाफ, है ना। तो अगर रिलेशन निकालोगे, के टी को इधर ले जाओ और ए नॉट माइनस टू को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा रिलेशन अपना, के इंटू टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। तो यहाँ पे क्या बचता है अपना, ए नॉट बाई टू के इंटू टी हाफ, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब टी हाफ कितना आ जाएगा अपना, ए नॉट बाई टू के। टी हाफ कितना आ जाएगा, ए नॉट बाई टू के। ये किसके लिए फॉर्मूला है, टी हाफ का कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फिर वो क्या हो गया फॉर्मूला, ए नॉट बाई टू के। हाफ लाइफ की डेफिनेशन तो यही रहेगी सारे उसमें, आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए, उस टाइम को कैलकुलेट कर लीजिए, उस टाइम को क्या बोलोगे, टी हाफ या हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दैट सैंपल। यहाँ पे हमने टी हाफ निकाला तो इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टू के आ। कोई समस्या, अब अगर हम लोग ग्राफ खींचना चाहें, एक ये वाली इक्वेशन को लेते हो, कहाँ गई, ए टी ए नॉट माइनस के टी, है ना। किसी किसी बुक में ये जो ए टी लिखा हुआ है इसको ए भी लिखते हैं, ए टी को ए भी लिखते हैं, है ना। तो ए टी को आप ए भी लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने क्या लिखा हुआ था, टी लिखा हुआ था कि टी टाइम पे ए है, ए नॉट, नॉट का मतलब होता है शुरुआत में, तो इनिशियल ए नॉट है और टी टाइम है ही, पता ही है, तो ए भी लिखते हैं। अब ग्राफ की बात कर लेते थोड़ा सा, अपने पास इक्वेशन है जीरो ऑर्डर का, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, है ना। अब अगर आपको ग्राफ खींचना है ए और टी के बीच, ए और टी के बीच में ग्राफ खींचना है, ए क्या था, टी टाइम पर कंसंट्रेशन, और ये क्या था, टी इज इक्वल टू जीरो पर कंसंट्रेशन, बोल सकते हैं ना, इनिशियल मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पर कंसंट्रेशन। तो कैसा आएगा ग्राफ, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा सकते हैं, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में मान लो 5 ग्राम सैंपल लिया है तो वो तो फिक्स है, तो उसको सी बोल सकते हो आप, है ना। ये हो गया आपका ये, और ये क्या बन गया, अब ग्राफ है आपका ए और टी के बीच में, तो ये क्या बन जाएगा आपका, स्लोप बन जाएगा। स्लोप कैसा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, ऐसा आ जाएगा ग्राफ। ये वाली जो चीज होगी वो क्या हो जाएगी, ए नॉट बना लीजिए, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस। तो जीरो ऑर्डर में अगर हम लोग फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है विद नेगेटिव स्लोप एंड
क्या मिलता है अपने को, एक वो भी मिलता है इंटरसेप्ट भी, ए नॉट। सबको बात क्लियर है? बना लिया? ग्राफ ग्राफ सुनिए, फुल बनने का क्या मतलब है? पूरा का पूरा खत्म हो जाए? फुल बनने का क्या मतलब होगा? इसमें पूरा खत्म हो जाने वाला। पूरा खत्म हो जाए कर सकते हैं। रिएक्शन इन जनरली कंप्लीट होते नहीं है। अब मान लो रेट ले लो जीरो ऑर्डर का और कंसंट्रेशन ले लो, तो कंसंट्रेशन के ऊपर हमने कौन सा ये लगाया था, रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू पावर जीरो, ये था ना अपना। तो डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन चेंज करते रहिए, रेट वही रहेगा। ये वाला अभी बना ही नहीं था आपका? हो गया? ग्राफ देख के आपको पहचानने को कह सकते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ना, या किसी में आपको ग्राफ दे करके कंपोजिट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब अगर ये टी हाफ का बनाना चाहे तो कहाँ निकाला था हमने, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, ये निकाला था ना। तो अगर टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में बनाएंगे तो कैसा ग्राफ आएगा, क्या सोचते हो आप? वही क्या, हाँ स्ट्रेट लाइन आएगा, इंटरसेप्ट वगैरह आएगा कुछ? किसका बना रहे हैं हम लोग, टी हाफ और किसका बना रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन का, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन। किसके लिए बन रहे हैं ये सारे ग्राफ? ऑर्डर चेंज होगा तो ग्राफ चेंज हो जाए। क्या ए नॉट बाई टू? अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि टू के तो कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ बनाना, रेट के साथ थोड़ी बना रहे। टाइम हुआ तो बढ़ रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो कम हो रही है ना, रेट के साथ नहीं बना रहे ना। इसमें कंफ्यूज मतलब थोड़ा वो रखेगा, रेट के साथ नहीं बना रहे, किसके साथ बना रहे हैं, टाइम के साथ। टाइम बढ़ रहा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो कम होने ही वाली है, रिएक्शन हो रहा है तो कम तो होगी होगी, है ना। एग्जाम्पल लिख लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज एनसीईआरटी नहीं लाए? अच्छा एग्जाम्पल लिख लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का,
फोटो केमिकल, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन नहीं, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ H2 एंड Cl2, H2 और Cl2 के बीच में फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। H2 प्लस Cl2, HNu की प्रेजेंस में 2HCl बनेगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऑर्डर क्या है इसका? अभी हमने मॉलिक्यूलरिटी कितनी बताई थी इसकी? टू। पर ऑर्डर क्या आ गया? डिकम्पोजिशन ऑफ N2O। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के लेना चाहते थे, एनसीईआरटी में ये तो है क्योंकि एनसीईआरटी से पूछ लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O ऑन प्लैटिनम सरफेस, प्लैटिनम के सरफेस पे N2O का डिकम्पोजिशन करते हैं। नहीं, Cl2 है, काटा नहीं, तो वो भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन बनता है। N2O टूटता है N2 और हाफ O2 में, N2O टूट जाता है N2 और हाफ O2 में। ये भी कैसा रिएक्शन है? जीरो। अमोनिया का डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ एमओ या टंगस्टन, टंगस्टन का वो सिंबल डब्ल्यू होता है ना, एमओ या टंगस्टन की प्रेजेंस में अमोनिया जब ब्रेक होती है, एमओज मॉलिब्डेनम, ये भी कैसा रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर। एनसीईआरटी में जो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन होंगे वो याद कर लीजिएगा जरूर से। हो गया, फर्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं। तो जीरो ऑर्डर का कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करना है? या तो ग्राफ से आएगा या वो छोटे वाले फॉर्मूला से आएगा, इट इज इक्वल टू या ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के, है ना, इसी से आएगा। नोट हो गया। हेडिंग डालिए फर्स्ट, इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए, बोर्ड के लिए भी। और क्या लिखते थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग? रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के, और क्या लिखते थे? ये लिखते थे ना, मान लो कोई ए है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, शुरुआत की कंसंट्रेशन ए मान लो टी इज इक्वल टू जीरो पे, और टाइम टी इज इक्वल टू टी पे कितनी है इसकी कंसंट्रेशन? एक्स हो जाती है मान लीजिए, तो ये बचेगी कितनी? ए माइनस एक्स बचेगी। ये लिखने आता है सबको?
क्या हुआ, कुछ छूट गया? अरे तो रेट को हम लोग लिख सकते हैं के ए माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है, और रेट को लिखने का एक तरीका ये भी था, डीएक्स बाई डीएक्स के नीचे ले आए ए माइनस एक्स को, और यहां पे ले गए के डी टी। इसके बाद इसका करेंगे इंटीग्रेशन। अब वो कौन करेगा, कौन करेगा? ऐसा ही साइन होता है इंटीग्रेशन का, सही होना है सांप। इसके थ्रू हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, माइनस एल एन ए माइनस एक्स, माइनस एल एन ए माइनस एक्स के टी प्लस सी, के टी प्लस। क्या हुआ, पढ़ चुके होंगे ना आप लोग, हमको देख देख के ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? माइनस एल एल एन सब लोग जानते हैं ना, कौन सी लॉग है, बेस 10 लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये तुमने क्या बोल दिया, इसने क्या बोला जो मुझे बाउंस हो गया? टी इज इक्वल टू, अगर जीरो ले लें, टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर हम लोग बोले तो एक्स भी जीरो ही होगा, पर टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स तो कुछ बना ही नहीं था, तो उस टाइम पे ये इक्वेशन अगर रखोगे टी इज इक्वल टू जीरो पे तो क्या बन जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का एल एन ए, है ना? अब सी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे इस इक्वेशन में, माइनस एल एन ए रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, माइनस एल एन ए माइनस एक्स के टी, और यहाँ पे क्या रख दिया हमने, माइनस एल एन ए। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अगली स्लाइड पे चले, हमारे पास जगह नहीं है। ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, जो स्मॉल ए लिखा है वो इनिशियल है, एक्स जो है वो टी टाइम पे प्रोडक्ट बना हुआ है, ए माइनस एक्स है टी टाइम पे, बची हुई कॉन्सेंट्रेशन जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ये थी आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये थी एट टी टाइम रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्व किया जाए इसको, केटी को एक तरफ रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और ये पूरे को इधर ले जाते हैं, तो देखिए क्या बनेगा अपना इक्वेशन। केटी को एक तरफ रख लिया तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा अपना, माइनस एल एन ए माइनस एक्स, और क्या बन गया, प्लस में आ जाएगा, ये बन जाएगा ना। अब इसको वैसे फॉर्मेट में लिखना चाहे तो एम माइनस एन करके लिख सकते हैं, है ना, ये वाला एम हो गया, ये एन हो गया, तो एम माइनस एन के फॉर्मेट में लिख दिया, कोई समस्या? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन बन गई। बोलो भाई,
अगर नेचुरल लॉग में लिखना है इसको तो क्या बन सकती है, दोनों तरफ 2.30, एक तरफ उस तरफ 2.303 का मल्टीप्लाई कर दें, अपने को काम फाइनल इक्वेशन से ही है, उसी से सवाल बनेंगे, उसी से अपनी सारी बात बनेगी। तो KT is equal to आ गया अपने को जो क्वेश्चंस में लगाना है वो क्या लगाना है, 2.303 log a by a minus x, है ना। a is initial concentration, ये आपके न्यूमेरिकल्स में यही काम आएगा, और ये जो है वो क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। कोई समस्या? तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई ए माइनस एक्स। एक ही इक्वेशन के कई फॉर्मेट भी लिखे होते हैं, तो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखा हुआ है a बाई ए माइनस एक्स को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, a बाई ए माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर kt। अगर अपोजिट कर दो तो e की पावर माइनस के टी हो जाएगा। ये फॉर्मेट भी, ये वाला भी याद रखेंगे, कभी कभी इससे भी बना दे, ज्यादा सवाल तो इसी से आएंगे, इस फॉर्मेट से। अब जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, जिसको लॉग, जिसको ए माइनस एक्स भी कह सकते हैं या ए भी कह सकते हैं, कैपिटल ए भी लिखते हैं बुक्स, तो ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, और अगर हम लोग ग्राफ खींचे टाइम के बीच में, तो ग्राफ देखिए किस तरीके का आता है। ये वाला है ना अपना, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को अप्लाई करते हुए अगर हम लोग ग्राफ खींच लें, मेधांश कोई दिक्कत है आपको? आप खुल के बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, कोई समस्या है तो बोलो। लॉग ए भी लिखते हैं, या कोई कोई बुक्स इसको लॉग ए माइनस एक्स भी लिखती है, और टाइम के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा कैसा, ऐसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी है? ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अरे तुम अपना दिमाग लगाओ, हमसे मत पूछो, हमारा दिमाग इतना नहीं चलता है ग्राफ्स में, मतलब किसके लिए क्या है। इंटरसेप्ट कितना आएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन
नहीं, अगर हम नेचुरल से बनाना चाहे तो ना बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, स्लोप क्या आ जाएगा इसका, स्लोप बोलो, माइनस माइनस होगा ना, नेगेटिव आ जाएगा, बना लीजिए। ये कहाँ से आया, कुछ लोगों को ऐसा तो नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, बोलो बच्चों, ये वाली इक्वेशन थी ना एलएन वाली, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, नेचुरल लॉग वाली में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे तो हमने सीधे फॉर्मेट पूरा निकाला है, यहीं पे अगर हम नेचुरल वाले में कन्वर्ट कर दें तो आपका 2.303 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे करोगे 2.303 से मल्टीप्लाई, है ना, फिर उसके बाद जब लॉग लोगे तो 2.303 उधर चला जाएगा ना, के से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा। इसके इक्वेशन भी लिख देते, इक्वेशन क्या बन रही है, नहीं तो इक्वेशन बन रही है इसकी, लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, अच्छा हाँ ये बात आपकी एकदम सही है, स्लोप आएगा एम इज इक्वल टू, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन का लॉग लेते हो और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हो तो स्लोप आपको कितना मिलता है, एक तो स्ट्रेट लाइन स्लोप कितना मिलता है उसका, माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303, ठीक है, और इसका इक्वेशन भी लिख लीजिए। इस वाले से बनाया है हम लोगों ने, ये है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, सी है लॉग ए, इंटरसेप्ट कितना है, लॉग ए है, कर लेंगे। क्या हुआ पीयू, अब ग्राफ खींचना है लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, अगला ग्राफ आपको खींच के बताना है इक्वेशन को यूज करके, लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, अभी जो पहला वाला बता, लॉग ए बाई ए माइनस एक्स और टी के बीच में ग्राफ खींचना है, तो आप जरा सोच के बताइए इक्वेशन वगैरह यूज करके क्या बनेगा, लॉग ए बाई ए माइनस एक्स और टाइम के बीच में ग्राफ खींचना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से, y इज इक्वल टू एम एक्स सी बनेगा, इंटरसेप्ट होगा, ये बात सबको समझ आ रही है नहीं आ रही है, हाँ तो स्ट्रेट लाइन बनेगी और आपका क्या होगा, कोई भी सी तो होगा ना इंटरसेप्ट, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, के बाई टू ऐसे ग्राफ के क्वेश्चंस की क्या है भरमार है, फर्स्ट ऑर्डर तो बम्पर पूछते हैं, बम्पर का मतलब चार सवाल नहीं पूछ लेंगे लेकिन डेफिनेटली पूछते हैं, पक्का क्वेश्चन है, कुछ गड़बड़ है,
चेक कर लो क्या बन रही इक्वेशन, ये वाली है ना, लॉग ए बाई ए माइनस एक्स के बीच में ही खींचा है ना हमने, इसकी हाफ लाइफ पीरियड की बात कर ली जाए, हाफ लाइफ की बात करी है, हम नहीं बना अभी, हाफ लाइफ की बात करें, चलो हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं, उसी फॉर्मूला से हाफ लाइफ निकालना है तो अच्छी ध्यान का, हाफ लाइफ निकालना है टी हाफ, ठीक है, टी हाफ का मतलब क्या हो गया, ए तो इनिशियल थी और ए माइनस एक्स क्या थी, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन थी, तो टी हाफ का मतलब होता है कि आधी कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाएगी, इसका मतलब रिमेनिंग कितनी बचेगी, इनिशियल की आधी तो बचेगी, इनिशियल ए थी तो ए की आधी बचेगी, तो अब अपना फॉर्मूला क्या आ गया था टी का, टी का क्या फॉर्मूला आया था बच्चों बोलो, ये आ गया था ना ए बाई ए माइनस एक्स, यही था, अगर आप टी हाफ लगाते हो तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेशन क्या कर देंगे, इनिशियल तो ए है, बची हुई कितनी है ए बाई टू, तो ये क्या बन जाएगा, टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के, और ये बन गया आपका लॉग टू, लॉग टू की वैल्यू रख देंगे, कितनी होती है 0.3010 है ना, तो ये सब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू याद भी रखती है अपने को डायरेक्टली 0.693 डिवाइडेड बाय के, ये वैल्यू अपने को याद रखनी है, इस पे सवाल आ टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, वहां पे हाफ लाइफ में क्या आया था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आई थी, यहाँ पे हाफ लाइफ में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन का टर्म आया फाइनल फॉर्मूला में, नहीं आया ना, यहाँ पे लिख लीजिए टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फॉर्मूला में कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रही है तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कहाँ पूछते हैं, कहाँ पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट बना के बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बना के,
एग्जाम्पल्स लिख लेते, फिर जीरो और फर्स्ट पे कैसे क्वेश्चंस आए वो ये फॉर्मूला जरूर से याद होना चाहिए आपको, एक तो ये वाला और एक ये जो फर्स्ट वाला लिखा है ये वाला काम का फॉर्मूला है आपके बहुत। नोट हो गया सबका, नोट कर लिया? ऑनलाइन ऑनलाइन बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? यस। कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो नहीं आ रही है, बोल दो भैया अभी तो। चले एग्जाम्पल कर ले फटाफट से, सबसे प्राइम एग्जाम्पल जो ज्यादा पूछते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में पहला एग्जाम्पल याद रखिए, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डिके अगर हो रहा है किसी कंपाउंड का, किसी एलिमेंट का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कौन सा ऑर्डर लगता है उसमें? फर्स्ट ऑर्डर। मॉडर्न फिजिक्स में आएगा ना। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डीकम्पोजिशन ये एनसीईआरटी में भी है इसलिए इम्पोर्टेंट है, डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 को तोड़ रहे हैं, N2O4 बनता है और हाफ और टू अलग होती है। ये रिएक्शन है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके केस में रेट डिपेंड करता है N2O5 की कंसंट्रेशन के ऊपर। फर्स्ट ऑर्डर है तो वन लिख दिया, दो तीन इंपॉर्टेंट है जो पूछते हैं अक्सर करके तो उनको कर लेते हैं। थर्ड वन इज H2O2 को डिकम्पोज करते हैं I- की प्रेजेंस में, H2O बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए भी रेट अगर लिखो तो हम लिख सकते हैं K H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन पे पावर कितनी लगानी होती है? नोट हो गया? फोर्थ है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वो भी कौन सी एसिडिक कर दीजिए। एस्टर है CH3COOC2H5, हाइड्रोलिसिस पानी के थ्रू इसको तोड़ेंगे,
एसिड की प्रेजेंस में एस्टर की हाइड्रोलिसिस से हमेशा एल्कोहल और एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्कोहल और एसिड बनेंगे। एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से एस्टर बनता है, रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। और जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, जब आपका रिएक्शन कराते हैं एस्टर का वाटर से, तो उसको बोलते हैं एस्टर की हाइड्रोलिसिस, तो उससे बन जाता है एल्कोहल और एसिड, है ना। ये वाला रिएक्शन इधर से इधर जाएंगे तो एस्टरीफिकेशन, एस्टर फॉर्मेशन इज एस्टरीफिकेशन। और एस्टर को पानी की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो एल्कोहल और क्या बन रहा है आपका? एल्कोहल और एसिड बन जाता है। ये इस रिएक्शन, ये इम्पोर्टेंट है, इसका रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। और अगर रेट की बात करो तो रेट डिपेंड करेगा एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन। एस्टर, ये फॉर्मूला लिख सकते हो, जो भी एस्टर। फिफ्थ और लास्ट एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर, जो बार बार पूछे गए हैं, जिनसे सवाल बार बार बने हैं, वही बता रही हूँ आपको। कुछ ज्यादा फालतू का कचरा नहीं इकट्ठा करना अपने को, जो बार बार पूछते हैं उन्हीं की बात कर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर होता है सुक्रोज। सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है, प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन सिखाएंगे आपको या बताया भी होगा कहीं। सुक्रोज की रिएक्शन करा दो वाटर से H प्लस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे बन जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर केवल रेट डिपेंड करता है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो कैसा ऑर्डर रिएक्शन हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दो बनते हैं, मोनोसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट में पड़ेंगे, अभी पढ़ने वाले हैं बायो मॉलिक्यूल, इसमें नहीं पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन, क्योंकि सुक्रोज जो, आई थिंक सुक्रोज इसमें होता है एल फॉर्मेट में। एल का मतलब जो लेबोरेटरी होता है ऑप्टिकल, और ग्लूकोज बनता है एल फॉर्मेट का और फ्रुक्टोज बन जाता है डी फॉर्मेट का। तो कोई भी वो रिएक्शन जिसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है उसको हम लोग इन्वर्जन कह सकते हैं। तो सुक्रोज जो है केन शुगर है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अभी पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल में डिटेल, अभी इतना याद रखना है कि रेट इज डिपेंडेंट ऑन सुक्रोज के पावर वन, कर दीजिए कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ऑल रेडियो एक्टिव डिके जितने भी नेचुरल हो जाए या आपके कैसे हो जाए, कैसे हो सकते भाई, आर्टिफिशियल। चलो कुछ सवाल कर लेते हैं प्यारे प्यारे। पहले किसका करें? पहले बोर्ड का करते हैं। चलो एनसीईआरटी कोई लाते ही नहीं है। हाँ
क्यों उसको तंग कर रहे हो? क्वेश्चन लिखिए। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन इन 99, टाइम टेकन इन 99.9% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर लिखा हो कि इतने परसेंट कंप्लीट हो रहा है, या इतने परसेंट डिकम्पोजिशन हो रहा है, या इतने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो वो परसेंटेज का मतलब है कि इतना खत्म हो गया। जैसे ही परसेंटेज का क्वेश्चन आए फर्स्ट ऑर्डर का, आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए 100, इनिशियल क्या मान लीजिए 100, इनिशियल 100 मान लो, और इस क्वेश्चन में जैसे बोला है 99.9% कंप्लीशन, यानी कि 99.9% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो 100 का 99.9% 99.9 हो जाएगा, तो 99.9 खत्म हो गया, तो बचेगा कितना, 0.1 बचेगा, है ना, 0.1 बचेगा। अब अपना जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, वो क्या कहता है, क्या लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में ये आपको प्रूफ करना है कि जो हाफ लाइफ टाइम है उसका 10 टाइम्स होगा टाइम 99.9% रिएक्शन कंप्लीट करने के टाइम, मतलब रिएक्टेंट हाफ हो जाए उसमें जो टाइम लगेगा, और रिएक्टेंट आपका 99.9% खत्म हो जाए उसमें जो टाइम लगेगा, 99.9% जो टाइम लगेगा वो जो है वो 10 टाइम्स है हाफ खत्म होने का, हाफ लाइफ का 10 टाइम्स है, ये आपको प्रूफ करना है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है। टी 99.9% इज इक्वल टू टी 50%, हाफ का मतलब 50% लिख सकते हैं, इस ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। कंप्लीशन में क्या कंडीशन याद रखनी है आपको, फॉर्मूला एक ही है अपने पास, कंप्लीशन में जितना भी परसेंटेज दिया हो वो परसेंटेज का मतलब उतना उतना क्या है, हो चुका है, उतना तो डिकम्पोज हो गया, उतना निकल गया, तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे हम लोग, 100 पूरा मान लो, रिमेनिंग निकाल लो उस परसेंटेज को माइनस करके। फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए होता है, ए चाहिए होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल मान लो 100, और रिमेनिंग क्या होता है, ए माइनस एक्स, तो 100 माइनस 99.9 बताओगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, इस केस में 0.1, ठीक है। हाफ लाइफ के लिए लिखोगे तो एक को 100 मान लो इनिशियल को, और उसको 50 मान लो, काटेंगे पीटेंगे ना, दो इक्वेशन बना के काट देंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। चलो मैं करके, पहला क्वेश्चन मैं करके बताती हूँ, है ना। तो क्वेश्चन हाँ वैसे भी कर सकते हैं, करें। चलो टी का फॉर्मूला है, टी
2.303 बोर्ड पे देखें, आपस में बात ना करें। log a by a minus x, a है इनिशियल, a minus x है रिमेनिंग। तो पहले लगाते हैं 99.9% कंप्लीशन के लिए टाइम, 2.303 डिवाइडेड बाय k log, ये क्या हो गया इनिशियल 100 मान लेते हैं, तो बचा हुआ कैसे निकाला हमने, 100 माइनस 99.9.1। कोई समस्या? अब निकालते हैं t हाफ, आपका मतलब 50%, 2.303 बाय k log 100 है, अगर 50 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से अगर 50 खत्म हो गए तो 85 ही तो बचने वाला है। कोई समस्या? इन दोनों के टाइम का रिलेशन निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशन को, इसके और इसके बीच में टाइम का रिलेशन निकालना है तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा, t 99.9 डिवाइडेड बाय t 50%, 2.303 by k, 2.303 by k एक ही रिएक्शन के लिए तो कट जाएंगे, इक्वल होंगे, यहाँ पे बन गया log 0.1 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, 10^3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा log 2, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बन गया 3 log 10 और log 2.30, log 10 1 होता है, अब ये निकाल लेंगे कितना आ रहा है, 10 आएगा अप्रोक्स, ये निकालेंगे तो कितना आएगा 10, अब आपको परसेंटेज कोई भी चेंज कर दे तो आप निकाल सकते हो ना, क्यों बोलो बच्चों, ये टी है, परसेंटेज चेंज कर दे तो निकाल सकते हो, 75% कर दे तो आराम से 100 मानो टोटल, 75 खत्म कर दो, 25 बचेगा। है ना, कई लोग कह रहे होंगे कि ऐसा करो आप इस क्वेश्चन में, ऐसा करो कि हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला हमारे पास था, 0.693 डिवाइडेड बाय क्या था k, ये वाला फॉर्मूला था, है ना, तो k की वैल्यू लगा दे वहां पे, ऐसा। अच्छा ठीक है, जैसे आपको इजी लगे वैसे आपको, उससे भी कर सकते हैं। आप कोई भी परसेंटेज दे दे तो कर लेंगे ये सवाल, परसेंटेज चेंज पे 80% कंप्लीशन दे दें, 20% दे दें, जितना कंप्लीशन है वो हो चुका है, खत्म हो गया, और फिर रिमेनिंग आपको निकाल लेना। इसमें कई सारे दे रखे हैं कि 75% में टी हाफ का डबल होता है, कभी बोर्ड में 99.9 वाला दे देते हैं, कभी 75 दे देते हैं, कभी 3/4 लिख देते हैं, एक सवाल आ जाता है। एक फॉर्मूला और लिख लो, इसी से निकला हुआ, हाँ
रेडियो एक्टिव डिके के लिए लगाते हैं। रेडियो एक्टिव डिके के लिए लगाते हैं। फिजिक्स में पढ़ोगे ये फॉर्मूला, एन है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, एन नॉट है इनिशियल। टाइम पे क्लास छूट जाएंगे, इतने प्यार प्यार से ना देखें आप। एन है आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जानते हैं क्या होती है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जैसे मान लो किसी की हाफ लाइफ है 50 सेकंड, किसी की हाफ लाइफ है, इंसान की नहीं, किसी की हाफ लाइफ है मान लो 50 सेकंड, है ना। तो अब मान लो हमने बोला कि 500 सेकंड हो गए, तो हाफ लाइफ कितनी बन जाएगी उसमें उसकी? 500 डिवाइडेड बाई 50 कर देंगे तो 10 हाफ लाइफ उसकी गुजर गई, इसका मतलब 500 सेकंड। तो एन है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। फॉर्मूला ही भूल जाता है इंसान। फिजिक्स तो गायब ही हो गई है। इंसान भूल गया। ये वाला फॉर्मूला कल बताएंगे, एग्जैक्ट डेटा नहीं याद आ रहा है। 1.44 होता था, इसमें दे नहीं रखा है क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है। चलो सवाल कर लो फटाफट से, ये फॉर्मूला अभी बताना है ना, सवाल कर लो जल्दी से। रेशियो ऑफ, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ C14 एंड C12 इन अ पीस ऑफ वुड इज 1/8 पार्ट दैट ऑफ एटमॉस्फेयर। सवाल की लैंग्वेज थोड़ी तो अजीब है। इफ हाफ लाइफ ऑफ C14 इज 5730 years, the age of wood sample. सवाल को थोड़ा पढ़िए, दिमाग में थोड़ा प्रोसेस कीजिए। लकड़ी का सैंपल है, कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो क्या हो रहा है? 1/8 है। हाँ, C14 की हाफ लाइफ है 5730, पूरे सैंपल की एज पूछा है। वो वाला फॉर्मूला बता ही दे, सैंपल की एज वाला फॉर्मूला कितने गया। हैं कितनी आ रही है डाल के देखते हैं। 51,000, इतना पुराना लकड़ी है। तो नहीं आ रही है, 17 करके आ रही है।
17,000 में आ रही है मतलब। ये C14 और C12 का जो रेशियो है ना, वो एटमॉस्फेयर में जितना रेशियो है और जो आपका वुड के सैंपल में जो रेशियो है उसका ये दे रखा है। उन दोनों का रेशियो दे रखा है 1/8, ये दे रखा। C14/C12 और आपका ये वुड में, और C14/C12 ये आपका एटमॉस्फेयर में, ये चीज दे रखी है 1/8। दिमाग की बत्ती जल रही है? बोलो, रेडियोएक्टिव डीके का वो फॉर्मूला बताना ही पड़ेगा जो मैं बोलूँ। क्या नीचे वाला? C14 की हाफ लाइफ दे रखी है 5730, है ना? इससे हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं? एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, देखो, n इज इक्वल टू n नॉट t रेज टू पावर माइनस लैम्डा t, जिसमें n है आपका रिमेनिंग, n नॉट ओरिजिनल है शुरू का, और e तो पता ही है आपको, e की वैल्यू 2.718 लेनी है, और लैम्डा इज रेडियो एक्टिव डीके कॉन्स्टेंट मतलब के, टी है आपका टाइम। इससे कुछ निकल सकता है क्या? कुछ ना बन रहा है। क्या हुआ? इससे कुछ बन सकता है क्या? लकड़ी का सैंपल है, कंसंट्रेशन की कोई बात नहीं हो रही है, तो इससे हम ना सोचें। नमिता 17,000 कुछ आ रहा है। संतरा? हाँ, टी हाफ तो दे रखा है ना कार्बन 14।
वुड के सैंपल में जो कार्बन 14 और कार्बन 12 का अमाउंट है और एटमॉस्फेयर में जो अमाउंट है उसका रेशियो दे रखा है इन्होंने 1/8। तो इसका मतलब ये है कि मैम हाँ बोलिए। मैम, ऐसा तो नहीं कि मतलब वुड से मतलब रिएक्शन हो रही हो और ठीक हो गया ऐसे देश हो गया। लकड़ी की रिएक्शन एटमॉस्फेयर से ऐसा रेडियो एक्टिव है तो मतलब अपना रेडिएशन छोड़ रहा है स्पेसिफिक के अंदर। रेडियो एक्टिव, इसमें से कार्बन 12 तो होता नहीं है, कार्बन 14 होता है रेडियो एक्टिव, तो वही खत्म होगा, उसी की हाफ लाइफ भी दे रखी है। कल सोच के आना इस क्वेश्चन को। हिंट इतना ही है कि कार्बन 14 ही डिके होगा, कार्बन 12 तो लकड़ी में जो भी जितना कार्बन 12 है ना, और कार्बन 14 है, उसमें से कार्बन 14 ही टूटेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव नेचर किसका है, 14 का है, 12 का नहीं है, इसीलिए कार्बन 14 की क्या दे रखी है, हाफ लाइफ। हाँ बोलो, हर सब कुछ कह रहे हैं। तो उससे क्या होगा? हो तो लगाओ। करके देखना, ठीक है? अभी करना है तो अभी करो, नहीं तो कल करके लाना, नेक्स्ट क्लास में इसको करके लाना, नोट करके देखो, ठीक है? DK 14 होगा, 12 नहीं होगा। चलिए आज की क्लास होती है, आप सबका ये क्या थैंक यू मैम। सैंपल।